गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मन्नत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अमेज़न मेकअप हॉल। बहुत टाइम से जो है अमेज़न मेकअप हॉल जो है आपके साथ शेयर करने वाली थी, बट इस टाइम चल रही है अमेज़न पर बिग मिलियन सेल, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जो कि अमेज़न देता है भारी डिस्काउंट। आपको हर प्रोडक्ट पर मिल जाता है, हर कॉस्मेटिक पर मिल जाता है, एंड कोई भी चीज आप परचेज करते हैं या लाइक आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, घर की डेकोरेशन का सामान हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, आपको सब पर अच्छा खासी भारी डिस्काउंट मिलता है अमेज़न पर। इसलिए मैंने जो है इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है उसका पूरा फायदा उठाया और मैंने अपने लिए है मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। मेकअप पर मुझे मिला है भारी डिस्काउंट और कैशबैक के साथ मुझे अमेज़न की बहुत सारी जो है प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि अमेज़न पे बैलेंस मिला है जो कि कैशबैक होता है वो मुझे मिला है, एंड मैंने जो है कैश करो से अर्न किया था। कैश करो एक जो है कैशबैक ऐप है, अगर आप उसे जो है अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, यानी कि कैश करो में जाकर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा किसी भी साइट पर आप जाकर शॉपिंग करते हैं, तो डेफिनेटली कैश करो आपको जो है आपको डिस्काउंट देता है, यानी कि आपको डबल फायदा होता है। कैश करो आप ऐप जो है वो भी आपको कैशबैक देता है, एंड प्लस जो आप जिस साइट से आप परचेज करते हैं वो भी साइट आपको कैशबैक देती है, तो सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है। तो कैश करो ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड उसके बाद आप जो है अमेज़न से शॉपिंग करते हैं तो आपको अमेज़न भी कैशबैक देते हैं। इसलिए मैंने जो है बहुत ढेर सारी शॉपिंग की है और आपके साथ मैं ये हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप मेरी वीडियो को वॉच नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने याद रखना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, और ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने फेस के मेकअप की तरफ। सबसे पहले हम अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, तो मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास है यहाँ पर पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, जो कि इसके ओरिजिनल प्राइस है 299 रुपीज है। आपको जो है 147 ग्राम आपको ये क्वांटिटी मिलती है 300 रुपए में। अमेजोन पे इस टाइम सेल चल रही है, तो ये मुझे पड़ी है 209 रुपीज की। ये इतनी बड़ी कंटेनर मुझे पड़ा है। इतना जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, प्लस आपको जो है आपकी स्किन जैसी भी हो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। जितनी भी स्किन आपकी जैसी भी हो, कॉम्बिनेशन हो या फिर ड्राई हो या फिर ऑयली स्किन हो, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस टाइम आ रहा है विंटर और विंटर्स में हमारी स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई, तो जो है आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर चूज करना है, तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। तो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छी मॉइस्चराइजर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हम प्राइमर के लिए। प्राइमर के लिए यहाँ पे मैं यूज करती हूँ 2 प्राइमर, मैंने उसको ऑर्डर किया है, एंड दोनों ही प्राइमर बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हैं। यहाँ पे इस साइड है मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, ये 110 रुपीज का मुझे मिला था, एंड ये जो है ब्लू हेवन का प्राइमर है, ये फ्लॉलेस बेस प्राइमर है। आपको दोनों ही प्राइमर सिलिकॉन बेस के हैं प्राइमर, एंड बहुत ही अच्छे प्राइमर है। अगर आपको पोर्स का इश्यू है तो आप डेफिनेटली जो है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज किया करें। उससे क्या होता है कि आपके पोर्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, और जब आप अपने फेस पे एप्लीकेशन यानी कि फाउंडेशन या बेस वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं तो स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई होता है। वो जो है दोनों ही प्राइमर आप चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छे प्राइमर है। नेक्स्ट है हमारे पास फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है इनसाइड कॉस्मेटिक का फाउंडेशन, ये की प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। काफी अच्छा फाउंडेशन है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है आपको, साथ में इसके ड्रॉपर मिलता है। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, एंड लिक्विड फॉर्म में है, ड्राई स्किन वालों को हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी ये वाला इनसाइड का फाउंडेशन ट्राई कर लीजिए, काफी अच्छा है। एंड इसका शेड नंबर है 03, मैंने इसको अपनी स्किन टोन के हिसाब से मंगवाया है। एंड अदर हैंड मेरे पास है लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन, इसका शेड जो है थोड़ा सा डार्क आ गया है, 05 शेड आ गया है, बट इसको चेंज करूंगी मैं। लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन आपको दे देता है फ्लॉलेस बेस, ये आपको मिलता है 235 के अराउंड मिलता है। अगर आप इस टाइम सेल में परचेज करते हैं तो आपको मिल जाता है 181 के प्राइस में आपको मिल जाता है, यानी कि हैवी डिस्काउंट मिलता है आपको इस फाउंडेशन पर। सो मेक श्योर चेकआउट कीजिएगा, अच्छा फाउंडेशन है, ट्राई कीजिए गाइस। तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी, ये दोनों ही फाउंडेशन काफी अच्छे हैं।
एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फेस को सेट करने के लिए यूज करते हैं कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर। यहाँ पे लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट मैंने दोनों ही ऑर्डर किए हैं। यहाँ पर मेरे पास है इनसाइड कॉस्मेटिक का मिनिमाइजर प्रेस टू पाउ कॉम्पैक्ट, ये काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है, आपको जो है अंडर 100 रुपीज के अराउंड आसपास जो है आपको मिल जाता है। प्राइस वगैरह थोड़े चेंज होते रहते हैं, सो चेकआउट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन में आपको मिल जाता है मिरर आपको, और काफी अच्छा मतलब कॉम्पैक्ट है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मेक श्योर ट्राई कीजिए, अच्छा कॉम्पैक्ट है और जो है आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। दूसरी साइड पर है मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना पाउडर, जो कि काफी अच्छा रेंज में आपको मिल जाता है। बनाना पाउडर से क्या होता है कि आपको एचडी लुक मिलता है, यानी कि आपके फेस पे स्वेट आने से काफी हद तक बनाना पाउडर रोकता है, आपको बेकिंग करने में काफी आसानी हो जाती है। आपके जो कि डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन का इश्यू होता है, तो आप बेस को अप्लाई करने के बाद बनाना पाउडर का यूज करते हैं, सो आपका बेस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है और आपके फेस के इम्परफेक्शन जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छा बनाना पाउडर है, तो मेक श्योर ट्राई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है मेरे पास स्वीट पिटी का आईब्रो पोमेड, ये काफी अच्छा छोटा सा मिनी सा पोमेड मिल जाता है आपको। इसके साथ मिलता है मिरर और आपको मिलते हैं 4 शेड्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ मिलता है छोटा सा मिनी सा ब्रश आपको आईब्रो को फिल करने के लिए, एंड काफी अच्छे से आपकी आईब्रो को फिल कर देता है, एंड काफी अच्छा स्वीट पिटी का ये पोमेड है। नमेश और ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा है। तो बेस्ट वाला जो की प्रोडक्ट है वो मुझे यही लगता है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर जो है आईब्रो शेपर है, ये ट्विंकल की आईब्रो शेपर है, जिसे फेस के अनवांटेड हेयर होते हैं, यानी कि फेस के जो अपर लिप पर हेयर हो जाते हैं, बहुत ही स्मूथ छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं अगर आपके फेस पे अगर आप होते हैं, तो वो आपका मेकअप जो होता है वो अच्छे से सेट नहीं होता है। अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो ये आपको 99 रुपीस का मिल जाता है, एंड काफी अच्छा है, एंड डिस्काउंट में आपको और अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। बट इसके ओरिजिनल प्राइस 99 रुपीस है, एंड ये काफी अच्छा, आपको 3 रेजर मिलते हैं, आप इसको आईब्रो की को भी शेप दे सकते हैं, एंड अच्छे से अपने फेस को भी क्लीन कर सकते हैं, आपके इसके हेयर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सो आप घर पर ही अपने आईब्रो को सेट कर सकते हैं, सो अच्छा पॉइंट है ना गाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास ब्लशर के लिए, यहाँ पर मैंने क्यूनी लेडी के स्वीट ऑरेंज ब्लशर मंगवाए हैं, काफी अच्छे ब्लशर हैं। इसमें 4 शेड्स मिल जाते हैं ब्लशर के, जैसे कि मैं आपको दिखा दी हूँ, आपको ये वाले शेड्स मिल जाते हैं, 4 शेड्स ऑरेंजी शेड है। अगर आपको पीच टोन में अगर आपको ब्लश अच्छा लगता है, ऑरेंज टोन में अच्छा लगता है, तो आप ये वाला ब्लश परचेज कर सकते हैं। ये 100 के अराउंड मुझे मिला था ब्लशर, काफी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। आप इसको जो है इसके स्वचेस में दिखा देती हूँ कितना ज्यादा पिगमेंटेड इसका रिजल्ट है, एंड काफी अच्छा मतलब जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है जो है मेरे पास है ये शुगर का मिनी ब्लश है, आपको ये इसमें आपको पिंक टोन में मिल जाता है, ये जो है 300 के अराउंड मुझे मिला था, एंड ये ब्लशर भी काफी अच्छा है, ये पिंक टोन में है, एंड ये शुगर के ब्लश तो काफी अच्छा है, इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहता है। अगर आप पिंक टोन में ब्लशर पसंद है आपको, तो मेक श्योर आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, एंड ब्लशर दोनों ही हो गए। उसके बाद जाते हैं तो ग्लो के लिए, यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर 2 हाइलाइटर हैं, जो कि एक है मेरे पास टिन का बेक्ड हाइलाइटर, ये भी बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, आपको इसका ग्लो दिखा देती हूँ गाइस। As you can see, बहुत ही ज्यादा ग्लोई टच मिलता है आपको इसे, और आपको इतना ज्यादा बड़ा सा आपको ये हाइलाइटर मिल जाता है, ये आपको अलग अलग शेड्स में मिल जाता है, एंड जो कि आपको गोल्डन शेड मिलता है, सिल्वर मिल जाता है, एंड मेटालिक शेड मिलता है आपको हाइलाइटर का। तो आप अपने आपको जो पसंद हो आप वाला ऑर्डर कर सकते हैं, काफी अच्छे इसके रिजल्ट भी है, एंड एप्लीकेशन काफी अच्छी है, आपको बिल्कुल भी चमकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, शिवरी पार्टिकल्स आपको नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करते हैं। अदर हैंड है मेरे पास पीटी हाइलाइटर ब्रॉन्जर पैलेट, यहाँ पर है मेरे पास ये स्वीट पीटी की पैलेट है, यहाँ पर मुझे मिलते हैं 3 शेड्स हाइलाइटर के, यहाँ पर जो है गोल्डन है, सिल्वर है, मेटालिक शेड है, आप इसको ब्रॉन्जर की तरह यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लाइट है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी कि आप ब्रॉन्जर की तरह यूज करें, बट आप इसको हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं, डे में नाइट में आप कभी भी इन शेड्स को आप यूज कर सकते हैं। बट मुझे तीनों ही शेड्स काफी अच्छे लगे हैं, अफोर्डेबल है, एंड 3 शेड्स आपको मिलते हैं एक ही पैलेट में, सो मेक श्योर ट्राई कीजिएगा, चेक
कीजिएगा, काफी अच्छे रेंज में आपको स्विस ब्यूटी की ये वाली हाईलाइटर पैलेट मिल जाती है। तो अच्छा जी, आईलाइनर के लिए मेरे पास कुछ मुझे 100 रुपीज के अराउंड मुझे कोई आईलाइनर समझ में नहीं आया था। जो मेरे पास बहुत सारे आईलाइनर है, मेरे पास ये है, बट मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक का ही आईलाइनर काफी अच्छा लगा था। रेंज वाइज बहुत अच्छा था, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, इसका ब्रश जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, स्मूथ एप्लीकेशन होती है, आप जिसको अप्लाई करेंगे तो काफी स्मूथली आपके आईलाइनर अप्लाई हो जा रहा है, काफी अच्छा रिजल्ट है। एंड ब्लैक, जेट ब्लैक आपको लाइनर मिलता है अफोर्डेबल रेंज में, सो मेक श्योर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आ जाते हैं अब मस्कारा की बारी। मस्कारा के लिए मेरे पास है मिलाप का मस्कारा एंड इधर है इनसाइड कॉस्मेटिक का अल्ट्रा कर्ल प्लस वॉल्यूम मस्कारा। ये काफी अच्छा मस्कारा है, इसकी पैकेजिंग गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब तक की मुझे जितने भी मस्कारा मैंने देखे हैं, बट मुझे ये इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी और काफी ज्यादा क्लासी लगी। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, काफी अच्छा, काफी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। एंड आप इसका ब्रश भी देख सकते हैं, कितना स्मूथ सा ब्रश आपको देखने को मिलता है। एंड जेट ब्लैक मस्कारा है, बहुत ही स्मूथ होती है, आपकी लैशेस को नेचुरली कर करके आपके वॉल्यूम दे देता है आपकी लैशेस को। तो चेकआउट कीजिएगा, अफोर्डेबल रेंज में आपको मस्कारा मिल रहा है गाइस, और हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी ये वाला इनसाइड कॉस्मेटिक का मस्कारा, मेक श्योर ट्राई कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास मिलाप का मस्कारा है, 9 to 6 वॉल्यूमाइजर मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है एंड वाटर प्रूफ है। सो ये मैं बिगनर्स के लिए सजेस्ट करना चाहूंगी, मिनी मस्कारा है, यानी कि आपको मिल जाता है इसमें मिनी मस्कारा। उसके बाद आप जब इसका ब्रश देखेंगे तो बहुत टिनी सा ब्रश आपको मिलता है, आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। लॉन्ग स्टेप के साथ आपको जब एप्लीकेशन करती हैं, मस्कारा अप्लाई करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आपको छोटा सा ब्रश मिलता है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही, मतलब आपको अप्लाई करने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। ये मस्कारा काफी अच्छा है, आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हैं, काफी क्यूट सी पैकेजिंग है, काफी अच्छी पैकेजिंग है, तो मेक श्योर ट्राई कीजिए, चेक कीजिए। अच्छा जी, आ जाते हैं आई का मेकअप के लिए। आई के मेकअप के लिए यहाँ पर मेरे पास है टीन का आई शेडो, जो कि गोल्डन आई शेडो है। मोस्टली जो है ड्रेस वगैरह जो हम लोग पहनते हैं, वेयर करते हैं, मोस्टली जो है दो शेड्स पसंद आते हैं, जो कि सिल्वर और गोल्डन शेड्स आते हैं, बट मैंने यहाँ पर टीन का जो है HD आई शेडो मंगवाया है, जो कि काफी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, फिंगर पे मैंने अप्लाई किया है। एंड आप जो, आपको आई का मेकअप करना नहीं आता है, तो आप ये वाला जो है आई शेडो परचेज कर सकते हैं एंड इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका आई का मेकअप ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंटर में अप्लाई कर लीजिए, बस आईलाइनर अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे पास है ग्लिटर है, स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, इसका शेड जो है सिल्वर शेड है इसका, एंड काफी अच्छा ग्लिटर है। अगर आप नाइट के लिए कुछ फंक्शन, नाइट फंक्शन के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं और सिल्वर टाइप में कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ये वाला जो है ग्लिटर मंगवा सकते हैं, काफी अच्छा है, आप अच्छे से अपना आई का मेकअप कम्प्लीट कर सकते हैं, काफी ग्लिटरी इफेक्ट मिलता है आपकी लिड पर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आपकी आईज दिखती हैं। उसके बाद अपने मेकअप को सेट करने के लिए, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, यहाँ पर मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने मंगवाया है सेटिंग, इस पे अपने मेकअप को लॉक करने के लिए, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप सेटिंग इस पे मंगवाया है। काफी ज्यादा ड्यूई फिनिश देता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, तो काफी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में आपको इनसाइड कॉस्मेटिक का ये सेटिंग इस पे मिल जाता है, सो मेक श्योर चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। अच्छा जी, पैलेट के बारे में आ जाते हैं आई शेडो पैलेट के लिए। यहाँ पे मैं सजेस्ट करना, हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट को हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूड शेड्स काफी ब्यूटीफुल लगते हैं, न्यू शेड्स बहुत सारे गर्ल्स को पसंद आते हैं, लिपस्टिक के शेड्स भी न्यूड पसंद आते हैं एंड आई शेडो के शेड भी न्यूड पसंद आते हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसे क्या होता है कि हैवी लुक में पसंद नहीं करती है, क्योंकि रेंज में आपको इतनी अच्छी पैलेट मिलती है, सो मेक श्योर ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा, अच्छी लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कंसीलर की तरफ। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक का HD कंसीलर, या हाई डेफिनेशन कंसीलर है। आपको इसमें इसका जो ब्रश है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ एप्लीकेशन ब्रश है एंड बहुत ही स्मूथ है, आप देख सकते हैं इसे जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन काफी अच्छी होती है एंड स्मूथ ही आपका कंसीलर अप्लाई हो जाता है एंड इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है एंड बहुत ही अच्छा कंसीलर है। मेक श्योर आप ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा, काफी अच्छे रेंज में आपको ये वाला कंसीलर मिल जाता है। अच्छा जी, लिपस्टिक आ जाती है। लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मेरे पास हैं दो शेड हैं मिलाप की लिपस्टिक हैं, जो कि एक शेड है 611 ट्रेंड शटर शेड है, एक शेड है मेरे पास 600 ट्वाइल कैरमल न्यूड शेड है, ये दोनों ही न्यूड शेड्स हैं, काफी अच्छे शेड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मेबेलिन न्यूयॉर्क की लिपस्टिक, इसका
एंड जो है अफोर्डेबल रेंज पे आपको इस टाइम मिल जाएगी, काफी अच्छे प्राइस डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाती है मेबलिन की लिपस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक, आपको जो है 60 रुपीज के अराउंड पड़ जाती है। एंड यानी कि यहाँ पे मैंने 4 लिपस्टिक ऑर्डर किया है, 4 लिपस्टिक न्यू शेड्स में आ जाती है, बट ये थोड़ा सा पर्पल टोन में जो है लिपस्टिक है, काफी अच्छा शेड है इसका, बट इसका शेड नंबर 05 शेड है, काफी अच्छा शेड है इसका। यही वाली लिपस्टिक वेयर की हुई है गाइस, काफी अच्छा रिजल्ट है इसका और ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, बिल्कुल भी आपके लिप पर से ट्रांसफर नहीं होती है, काफी अच्छी लिपस्टिक है, मेक श्योर ट्राई कीजिएगा। तो ये थे मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट, जो कि इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो अपने लिए जो है ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।